आज जिस मूवी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक स्पेनिश मूवी है जिसका नाम है द प्लेटफॉर्म, जो कि रिलीज हुई थी 2019 में, जो कि एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें हमें एक बड़े से और बहुत ही खतरनाक वर्टिकल जेल को दिखाया गया है। और इस जेल की खास बात यह है कि इस जेल में सभी कैदी अपनी मर्जी से यहाँ पे आए हैं, इसीलिए इस जेल में कोई भी गार्ड्स या किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जेल में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बन रहा है और ऐसा खाना यहाँ रोज बनाया जाता है। फिर हम एक आवाज को सुनते हैं जिसमें बोला जाता है कि आम तौर पर तीन तरह के लोग होते हैं, कुछ ऊपर होते हैं, कुछ नीचे होते हैं और कुछ ऊपर से नीचे गिरते हैं। और फिर हम इस कहानी के लीड कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम गोरेंग है, और इसके साथ एक और आदमी होता है जिसका नाम है त्रिमागासी। और ये दोनों इस जेल के एक सेल में बंद हैं, और इस फ्लोर का नंबर है 48। और इस जेल में इसी तरह के बहुत सारे फ्लोर हैं और हर फ्लोर पर दो दो कैदी मौजूद हैं। और इस जेल में कोई खास रूल नहीं है, बस यहाँ एक ही सबसे बड़ा चैलेंज है और वो है खाना। और ये खाने का चैलेंज भी फ्लोर पर डिपेंड करता है कि कैदी किस फ्लोर पर है, क्योंकि महीने के आखिरी में सभी कैदियों के सेल में एक गैस छोड़ी जाती है और उन्हें बेहोश करके रैंडमली किसी भी सेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। और जो कैदी अपर सेल में होते हैं उनकी हालत लोअर सेल वालों से काफी अच्छी होती है, मतलब 70 या 80 फ्लोर के बाद वाले कैदियों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ काफी खराब होती है। इसलिए त्रिमागासी गोरेंग को बोलता है कि हम किस्मत वाले हैं कि हम 48 फ्लोर पर हैं, और ऐसा क्यों है हमें आगे पता चलेगा। फिर गोरेंग नीचे वाले कैदी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन त्रिमागासी उसे बात करने से मना कर देता है, जिस पर गोरेंग पूछता है ऐसा क्यों। फिर त्रिमागासी बोलता है क्योंकि वो लोग हमसे नीचे हैं, और वो उसे ऊपर वाले कैदियों के बारे में भी बताता है कि वो लोग हमसे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हमसे ऊपर हैं। अब ऐसा नहीं है कि इस जेल में कोई रूल है कि कोई एक दूसरे से बात नहीं कर सकता, पर त्रिमागासी की बातों में साफ साफ एक भेदभाव वाली भावना को देखा जा सकता था। त्रिमागासी यहाँ पे काफी महीनों से है, पर गोरेंग अभी अभी यहाँ पर आया है, इसलिए उसे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म आता है जिस पर ढेर सारी हर तरह की डिश रखी होती है, और ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल एक एलिवेटर की तरह ऊपर नीचे आती जाती है। पर खास बात ये होती है कि प्लेटफॉर्म में किसी तरह का वायर नहीं होता, और ऐसा लगता है मानो ये प्लेटफॉर्म किसी तरह के मैग्नेटिक फोर्स से ऊपर नीचे आ जा रही है। अब ये जो खाना होता है ये बहुत ही गंदा, मैसी और झूठा होता है, और त्रिमागासी फिर भी उस खाने पर टूट पड़ता है क्योंकि प्लेटफॉर्म हर फ्लोर पर सिर्फ एक मिनट के लिए ही रुकती है, और उस एक मिनट में ही कैदी जितना खाना चाहे खा सकता है। पर उस खाने को देखकर गोरेंग को बहुत गंदा फील होता है, इसलिए वो खाने को नहीं खाता, लेकिन वो एक सेब उठा के अपने पास रख लेता है ताकि वो बाद में इसे खा सके। और प्लेटफॉर्म के नीचे जाते ही त्रिमागासी उस खाने पर थूक देता है और बोतल भी फेंक देता है, जिस पे गोरेंग उसे ऐसे करने की वजह पूछता है, और वो ये भी पूछता है कि क्या ऊपर वालों ने भी ऐसा किया होगा, जिस पर त्रिमागासी बोलता है कि शायद यहाँ पे सब कमीने हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे किसी तरह का कोई खास रूल नहीं है, पर जो कैदी सबसे ऊपर है उसे तो एकदम साफ सुथरा और बढ़िया खाना खाने को मिलता है, लेकिन नीचे आते आते ये खाना खाने लायक नहीं रहता क्योंकि किसी भी कैदी का कुछ नहीं पता, क्योंकि कोई भी इस खाने पर पॉटी या यूरिन या कुछ भी कर सकता है, और मजबूरन हर कैदी को ये खाना खाना भी पड़ता है क्योंकि अगर वो नहीं खाएंगे तो भूख से वैसे ही उनकी मौत हो जाएगी। फिर अचानक वो कमरा गर्म होने लगता है और त्रिमागासी उसे बोलता है कि अगर तुमने उस सेब को नीचे नहीं फेंका तो थोड़ी देर बाद ये कमरा इतना गर्म हो जाएगा कि हम दोनों की जल के यहाँ पे मौत हो जाएगी। और फिर गोरेंग उस सेब को नीचे फेंक देता है और टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। दरअसल कोई भी कैदी खाने को अपने पास नहीं रख सकता, और अगर कोई कैदी ऐसा करता है तो वो सेल या तो बहुत गर्म या तो बहुत ठंडा होने लगता है, और ऐसा इसलिए ताकि कोई भी कैदी ढेर सारा खाना अपने पास जमा ना कर सके। और फिर हमें गोरेंग के दो दिन पहले के सीन को दिखाया जाता है जिसमें हम एक लेडी की आवाज़ सुनते हैं जो गोरेंग को बोलती है कि एक बार अंदर जाने के बाद टाइम पीरियड खत्म होने से पहले तुम बाहर नहीं आ सकते, और गोरेंग का टाइम पीरियड 6 मंथ्स का होता है। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि अंदर आने से पहले हर कैदी अपने पसंद की कोई भी एक चीज अपने साथ यहाँ ला सकता है, और गोरेंग एक बुक अपने साथ यहाँ लेके आया होता है। दरअसल गोरेंग यहाँ पे अपनी सिगरेट पीने की आदत छोड़ने आया है। फिर रात को गोरेंग उस होल को देख रहा होता है और त्रिमागासी उसे वहां से हटने के लिए बोलता है, और तभी वो प्लेटफॉर्म बहुत ही तेजी से ऊपर आता है और गोरेंग बाल बाल बचता है। दरअसल ये प्लेटफॉर्म लास्ट नीचे तक जाने के बाद बहुत तेजी से ऊपर इसलिए आता है ताकि कोई भी कैदी प्लेटफॉर्म पर बैठकर ऊपर तक ना आ सके। अगले दिन फिर से वो प्लेटफॉर्म इनके फ्लोर पर आता है, लेकिन आज भी गोरेंग खाना नहीं खाता क्योंकि सच में वो खाना यहाँ तक आते आते बहुत ही मैसी हो चुका था। तो सोच के देखिए नीचे जाने तक खाने का क्या हाल होता होगा। फिर गोरेंग को त्रिमागासी से पता चलता है कि 70-80 फ्लोर के बाद खाना बचता ही नहीं है, क्योंकि पिछले महीने खुद त्रिमागासी 132 मंजिल पर था। अब क्योंकि गोरेंग एक सभ्य इंसान होता है, इसीलिए वो नीचे वालों से खाना बांट के और सलीके से खाने के लिए बोलता है ताकि नीचे तक सबको खाना पहुंच सके। तभी नीचे से आवाज आती है कि अगली बार शराब थोड़ी ज्यादा भेजना,
और तभी त्रिमागासी उन पर मूंद देता है और कहता है कि ये लो पी लो शराब। फिर गोरैंग उससे पूछता है कि तुम अपने साथ क्या लेके आए हो, और त्रिमागासी उसे एक चाकू दिखाता है जो ये अपने साथ लेके आया होता है। और अब की बार भूख बर्दाश्त ना होने पर गोरैंग भी उस प्लेटफॉर्म से खाना खा लेता है। फिर जब गोरैंग अपनी बुक पढ़ रहा होता है तभी एक इंसान नीचे गिर जाता है और उसके खून के छींटे गोरैंग के चेहरे पर आ जाते हैं। गोरैंग के लिए ये हादसा एकदम शॉकिंग था, मगर त्रिमागासी का रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल होता है। फिर गोरैंग पूछता है कि ये कौन था, जिस पर त्रिमागासी बताता है कि ये सबसे ऊपर वाले मंजिल पर था। अब सोचने वाली बात ये थी कि इस आदमी को सबसे ऊपर तो खाना बिल्कुल फ्रेश और साफ सुथरा मिलता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इसने आत्महत्या क्यों की, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि इस बार खाने के प्लेटफॉर्म के साथ एक लेडी भी उस पर बैठकर आई है, जिसका नाम माहिरू होता है, जो कि अपने बच्चे को ढूंढ रही होती है। फिर प्लेटफॉर्म के नीचे जाने के बाद दोनों कैदी माहिरू को पकड़ लेते हैं, जिस पर गोरैंग उसकी मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन वो उन दोनों को मारकर वापस प्लेटफॉर्म पर बैठ जाती है। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे दिन बीतता है गोरैंग भी इस जगह से यूज टू हो जाता है और वो भी अब खाने को बिना हिचकिचाए खाने लगता है, और गोरैंग और त्रिमागासी की भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और आज रात इनका महीना इस फ्लोर पर खत्म हो जाएगा और ये किसी और फ्लोर पर शिफ्ट हो जाएंगे। और फिर सुबह होते ही हम देखते हैं कि गोरैंग बंधा हुआ है और त्रिमागासी ने ही इसे बांध के रखा हुआ है, क्योंकि ये अब 171 फ्लोर पर है और यहाँ तक तो खाना पहुँचता ही नहीं है। इसलिए त्रिमागासी एक महीने तक गोरैंग का मांस खाकर इस फ्लोर पर सर्वाइव करेगा। त्रिमागासी उसे बोलता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, तुम्हारा मांस काटने के बाद तुम्हें भी तुम्हारा मांस खिलाऊंगा और तुम्हारे जख्म का ख्याल भी रखूंगा ताकि हम दोनों यहाँ जिंदा रह सके। और फिर 8 दिन बीतने के बाद वो गोरैंग का मांस काटने लगता है, जिससे कि गोरैंग को बहुत दर्द भी होता है। लेकिन तभी वहाँ माहिरू आ जाती है और गोरैंग को बचा लेती है, और गोरैंग उस चाकू से त्रिमागासी को जान से मार देता है और माहिरू वापस उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के नीचे चली जाती है। अब गोरैंग त्रिमागासी की लाश को खाकर ही अपने आप को जिंदा रखे हुए था, और उसको हेल्यूसिनेशन भी होने लगता है जिसमें वो त्रिमागासी से बातें कर रहा होता है। और इसी तरह करते करते एक मंथ बीत जाता है और अब गोरैंग अपने आप को 33वें फ्लोर पे पाता है, जिसे देख के गोरैंग को काफी सुकून मिलता है। और उसके साथ एक लेडी भी होती है जिसका नाम इमोग्वेरी है, और ये लेडी कोई और नहीं बल्कि वो है जिसने गोरैंग का इंटरव्यू लिया था यहाँ आने से पहले। और ये लेडी 25 साल से यहाँ काम कर रही है और एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करके अपने कुत्ते के साथ यहाँ पे आई है। फिर गोरैंग बोलता है कि ये जगह बिल्कुल नरक है और यहाँ लोगों की जान जाती है, लेकिन इमोग्वेरी अपने सिस्टम को डिफेंड करते हुए बोलती है कि बाहर की दुनिया भी एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है, इसीलिए हम इस जगह को वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर बोलते हैं। फिर प्लेटफॉर्म के नीचे आने के बाद गोरैंग खाना शुरू कर देता है और इमोग्वेरी खुद ना खा के अपने कुत्ते को खाना खिलाने लगती है। फिर गोरैंग बोलता है कि तुम एक आदमी का खाना इसे खिला रही हो, जिस पर इमोग्वेरी बोलती है कि हम दोनों एक एक दिन छोड़ के खाना खाएंगे ताकि बैलेंस बना रहे। फिर गोरैंग पूछता है कि क्या इस जेल में कोई बच्चा भी है, जिस पर इमोग्वेरी बोलती है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का खास ध्यान रखते हैं और इस सेल में 16 साल से नीचे कोई नहीं है, और वो दो प्लेट्स में खाना अलग अलग रख देती है। फिर प्लेटफॉर्म नीचे जाने के बाद वो नीचे वाले कैदियों से रिक्वेस्ट करती है कि मैंने आप लोगों के लिए अलग से खाना छोड़ दिया है, तो प्लीज आप सिर्फ उसी को खाएं, और उसी तरह नीचे वाले कैदियों के लिए भी दो प्लेट छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोगों के खाने में इतनी कैलोरीज हैं कि आप जिंदा रह सकें। अगर हम सब खाने को हिसाब से खाएंगे तो खाना नीचे मंजिल तक आराम से पहुंच सकता है और कोई भी भूख से नहीं मरेगा। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि पिछले महीने ही हम 89 मंजिल पर थे और हम मरते मरते बचे हैं, और वो कैदी इमोग्वेरी की बात नहीं मानते। और 15 दिन तक वो ऐसे ही प्लेट में खाना लगा के नीचे वालों से रिक्वेस्ट करती रहती है, लेकिन उसका कोई असर उन लोगों पे नहीं होता। फिर फ्रस्ट्रेट होके गोरैंग नीचे वालों से बोलता है कि अगर तुमने इसकी बात नहीं मानी तो मैं रोज खाने में पॉटी मिक्स कर दूंगा और तुम्हें वही खाना पड़ेगा, और इस डर से वो उसकी बात मान लेते हैं। फिर अगले दिन प्लेटफॉर्म पे खाने के साथ माहिरू भी होती है और उसकी तबीयत बहुत खराब होती है। फिर ये दोनों माहिरू की मदद करते हैं और अचानक सेल में ठंड बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि प्लेटफॉर्म के नीचे जाने के बाद कुत्ता एक मांस का टुकड़ा अपने पास रख लेता है, इसीलिए गोरैंग उससे वो टुकड़ा छीन के नीचे फेंक देता है। उसके बाद टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। फिर रात में ही माहिरू उस कुत्ते को जान से मार देती है और सुबह वहां से चली जाती है, जिस पर गोरैंग बोलता है कि उसने अपने बच्चे के लिए इस कुत्ते को मार दिया। लेकिन इमोग्वेरी बोलती है कि 10 महीने पहले ये यहाँ पे बिल्कुल अकेली आई थी और ये एक कातिल है जो अपने मनगढ़ंत बच्चे को ढूंढ रही है। और अब इमोग्वेरी को भी लगता है कि ये जगह बिल्कुल नर्क है और इसने अपने 25 साल की सर्विस में बहुत से लोगों को यहाँ भेजा है, क्योंकि उसे भी अंदर के हालात के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता था। फिर इमोग्वेरी बताती है कि उसको कैंसर है और जल्द ही उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए वो यहाँ चली आई। फिर अगले दिन गोरैंग इमोग्वेरी को खाने के लिए बोलता है, क्योंकि आज इनका आखिरी दिन है इस फ्लोर पर। और अगले दिन गोरैंग 202 फ्लोर पे होता है
और वो देखता है कि इमोगुरी ने आत्महत्या कर ली है ताकि गोरैंग उसका मांस खा के जिंदा रह सके, क्योंकि कैंसर से वो वैसे भी मरने ही वाली थी। अब जिंदा रहने के लिए गोरैंग एक महीने तक इमोगुरी का मांस खाते रहता है, और जब यहाँ भी इसका महीना पूरा हो जाता है तब गोरैंग अपने आप को एक दूसरे मंजिल पर पाता है, जहाँ उसके साथ एक ब्लैक आदमी भी होता है जिसका नाम भरत है, और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता क्योंकि वो अब 6th फ्लोर पे होते हैं, और वो अपने ऊपर वाले कैदी से ऊपर आने के लिए मदद मांगता है ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके, और वो लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, और जो रस्सी भरत के पास होती है वो उसके सहारे ऊपर जाने लगता है, और वो बस ऊपर पहुँचने ही वाला होता है तभी वो लेडी भरत के मुँह पे पॉटी कर देती है, जिससे कि वो नीचे पिट में गिर ही जाता अगर गोरैंग उसे पकड़ता नहीं। फिर गोरैंग भरत से बोलता है कि अगर हम प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे तक पहुंच पाए तो क्या पता कोठरी के सिस्टम को बिगाड़ कर यहाँ से निकल सके, जिस पर भरत बोलता है कि अगर नीचे कोई सिस्टम नहीं हुआ तो, और नीचे भी ऊपर के जैसे ही हाल हुआ तो, और अगर तुम्हारा हिसाब गलत हुआ और खाना खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे। फिर गोरैंग बोलता है कि हम प्लेटफॉर्म पे ही बैठे रहेंगे ताकि तेजी से ऊपर आ सके, मतलब अब वो सबसे नीचे जाएंगे सबसे ऊपर आने के लिए, और भरत गोरैंग की बात मान लेता है। फिर वो दोनों लोहे के बैट की सलाखों को तोड़कर अपने पास हथियार के तौर पर रख लेते हैं और प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाते हैं, और वो दोनों 50 मंजिल तक किसी को खाना नहीं देते क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले ही खाना खाया था, और 50 मंजिल के बाद ये सबको खाना बांटना शुरू करते हैं, और नीचे जाते जाते उन्हें एक वाइज मैन भी मिलते हैं जो उन्हें समझाते हैं कि सबसे नीचे जाने तक तुम एक कोई सी भी डिश एकदम सही सलामत रख के वापस प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर भेज देना, ताकि जब वो डिश एडमिनिस्ट्रेटर्स तक एकदम सही सलामत पहुंचेगी तब उन्हें समझ आ जाएगा कि नीचे रहने वाले सभी लोगों में एकजुटता आ चुकी है, और वो डिश उनके लिए एक मैसेज होगा कि अब इस माहौल में इन सब लोगों ने जीना सीख लिया है। और नीचे जाते जाते वो देखते हैं कि एक आदमी ने माहिरू को जान से मार दिया है, और वो उन दोनों पर भी हमला कर देते हैं, लेकिन वो दोनों जैसे तैसे उन दोनों को मार कर अपनी जान बचा लेते हैं, और इन्हीं सब में भरत भी जख्मी हो जाता है, और अब आखिरी में वो 250 मंजिल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म वहां नहीं रुकता और वो प्लेटफॉर्म लगातार नीचे जाते रहता है, और इसी तरह नीचे जाते जाते वो 333 मंजिल तक पहुंच जाते हैं, और उस प्लेटफॉर्म पर एक छोटा बच्चा होता है और उन्हें लगता है कि शायद ये माहिरू का बेटा है, इसलिए वो प्लेटफॉर्म से नीचे उतर जाते हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म फिर से और नीचे चला जाता है। फिर गोरैंग बोलता है कि इसे थोड़ा सा पैनकेक खिला दो, लेकिन भरत बोलता है कि नहीं, ये डिश एक मैसेज है, लेकिन उस मासूम बच्चे को देख के भरत का दिल पिघल जाता है और वो उसे वो पैनकेक दे देता है। और इस सेल में एक खास बात होती है कि ये सेल खाना अपने पास रखने से ठंडा या गर्म नहीं होता। फिर रात को भरत उससे बोलता है कि ये बच्चा ही एक मैसेज है, और अचानक गोरैंग की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि भरत की बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है, मतलब वो एक सपना देख रहा था। और फिर अगले दिन जब फिर से प्लेटफॉर्म उनके फ्लोर तक आता है तो गोरैंग उस बच्चे को लेकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाता है और नीचे चला जाता है, और नीचे जाके गोरैंग देखता है कि इस जगह पर कोई भी कमरा नहीं होता और ये जगह बिल्कुल खाली होती है, मतलब ये इस जेल का सबसे आखिरी हिस्सा है। और उसे फिर से हेलुसिनेट होता है जिसमें त्रिमागासी बोलता है कि तुम्हारा सफर अब खत्म हो चुका है और एडमिनिस्ट्रेटर्स को मैसेज पहुंचाने वाले से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मैसेज से है। और फिर गोरैंग प्लेटफॉर्म से नीचे उतर जाता है और वो प्लेटफॉर्म बहुत तेज रफ्तार से उस बच्चे को ऊपर ले जाता है, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब इस मूवी में बहुत सारी चीजों को जस्टिफाई नहीं किया गया है, लेकिन मेरी अपनी कुछ थ्योरीज हैं जो शायद आपको इस मूवी को समझने में मदद करेंगी। पहला कि इस जेल में लोग अपनी मर्जी से इसलिए आते होंगे क्योंकि उन्हें अंदर के बारे में ये नहीं पता कि यहाँ जान का खतरा भी हो सकता है। दूसरा, जो इंसान ऊपर से कूद के अपनी जान दे देते हैं वो ऐसा करते क्यों हैं? दरअसल जो इंसान सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर होते हैं उन्हें खाना एकदम फ्रेश मिलता है, लेकिन जैसे जैसे मंथ एंड नजदीक होता है वैसे वैसे उनकी चिंता बढ़ने लगती होगी कि पता नहीं महीना खत्म होने पर वो किस फ्लोर पर होंगे और उन्हें भी जूठा और मल मूत्र वाला खाना खाना पड़ेगा, या शायद क्या पता उन्हें खाना मिले ही ना। और इंसान का दिमाग ज्यादा सोचता भी तभी है जब उसका पेट भरा हुआ होता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे एक रईस आदमी से अचानक उसके सारे ऐशो आराम छिन जाए और उसे एक बहुत गरीब आदमी लाइक लेबर्स की जिंदगी जीनी पड़े, तो 99% चांस है कि वो इस जिंदगी को जीने से अच्छा मरना पसंद करेगा। तीसरा कि ये बच्चा कौन था और यहाँ इतने वक्त तक जिंदा कैसे था, तो हो सकता है कि वो बच्चा माहिरू का ही हो, इसलिए वो हर मंथ नीचे जाती है ताकि वो खाना नीचे तक ले जा सके और अपने बच्चों को स्टोर करके दे सके, क्योंकि उस सेल में खाना स्टोर करने से सेल ठंडा या गर्म नहीं होता। पर क्योंकि इमोगुरी ने बताया था कि ये अकेली यहाँ पे आई थी तो शायद ये थ्योरी गलत भी हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स ने जानबूझ के इस बच्चे को नीचे रखा हो और सीक्रेटिवली इसे फीड करते हो और यहाँ के कैदियों के बर्ताव में अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरे की मदद का भाव मन में पैदा हुआ देखना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे कर तो एक्सपेरिमेंट ही रहे थे।
और आखिरी की ये जगह इन्होंने बनाई ही क्यों? दरअसल इन लोगों ने ये जगह इसलिए बनाई ताकि सामाजिक एकजुटता का भाव लोगों के मन में पैदा कर सके, ताकि जब ये लोग यहाँ से जिंदा बच के बाहरी दुनिया में जाएं, तब ये हमारे समाज और सोसाइटी के अनफेयर सिस्टम को चैलेंज कर उसे बदल सके, और जब ताकतवर सिस्टम उन्हें हराने के लिए आपस में लड़वाए और उनकी जिंदगी की परिस्थिति को खराब करने लगे, तब भी इनके मन में कोई शक पैदा ना हो और मौत की फिक्र ना करते हुए वो यूनिटी के साथ एक सिस्टम को चैलेंज कर सके। थ्योरीज बहुत सारी हो सकती हैं, पर ये मूवी साफ साफ कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को दर्शाती है, जिसे हिंदी में कहा जाता है समाजवाद और पूंजीवाद। अब जिन लोगों ने कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बारे में पढ़ा है वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।